हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम कंजक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉजेज और सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज या सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन के प्रयोग को इन वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एंड, सुभाष एंड पंकज हैव कम। सुभाष और पंकज आए हैं, इसमें एंड कंजक्शन है। एज वेल एज, ही हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रीटेंड टू बीट मी। उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। नेक्स्ट है अदरवाइज। लेबर हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। परिश्रम करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। और इल्स, हरी अप, और इल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। नेक्स्ट, देयरफोर। मिस्टर रॉय इज इल, देयरफोर ही हैज नॉट कम। मिस्टर रॉय बीमार हैं, इसलिए वे नहीं आए हैं। नेक्स्ट है सो। आई रीच्ड द स्टेशन लेट, सो आई मिस्ड द ट्रेन। मैं स्टेशन देर से पहुंचा, इसलिए गाड़ी छूट गई। नेक्स्ट है हैंस। ही हैज नो मनी, हैंस ही कैन नॉट हेल्प यू। उसके पास पैसा नहीं है, अतः वह आपकी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंसिक्वेंटली। सी इज बीक इन हिंदी, consequently she has got plugged। वह हिंदी में कमज़ोर है, हलता वह असफल हुई। either or, either you or your brother stole my watch। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। next है neither nor, he is neither my friends nor my enemy। वह ना तो मेरा मित्र है और ना मेरा शत्रु ही। बोथ एंड। आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी करता हूँ। सो दैट, ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना कमज़ोर था कि चल नहीं सकता था। टी डबल ओ टू और टी ओ टू। सी इज टी डबल ओ टू टायर्ड, टी ओ टू वर्क। वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती। सो एज, ही इज नॉट सो रिच एज ही अपीयर टू बी। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मालूम होता है। एज एज, यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना कि वह। वेदर और, I did not care whether you go or stay। मुझे परवाह नहीं चाहे तुम जाओ या ठहरो। As so, as is the child, so is the man। जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है। As soon as the thief saw the police, he ran away। जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा वैसे ही वह भाग गया। बट ही इज पुअर इन डीड, बट हिज करेक्टर इज स्पॉटलेस। वह वास्तव में गरीब है लेकिन उसका चरित्र निष्कलंक है। और गो एट वंस और यू विल मिस द ट्रेन। अभी जाओ नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। टू बी श्योर इट इज कृष्णा और हिज यंगर ब्रदर दैट हैज स्टोलन माई पेन। कृष्णा ने अथवा उसके छोटे भाई ने मेरी कलम अवश्य चुराई है। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, त्यों ही गाड़ी चल दी। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयस रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आए।
No sooner does he arrive than he begins to work. ज्यों ही वह पहुंचता है त्यों ही काम करना शुरू कर देता है. Hardly when he had hardly reached the station when it began to rain. वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी. Scarcely when I had scarcely reached the school when the bell rang. मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई. Not only but also the publisher not only gave me advice but also helped me with money. प्रशासक ने मुझको केवल उपदेश अवलिक सलाह ही नहीं दिया है बल्कि रुपए से भी मदद की है. Where stay where you are ठहरो जहाँ तुम हो. Wherever you go you will get respect जहाँ कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे. Whence he went whence he had come जहाँ से वह आया था चला गया. When the cat is away the mice play जब बिल्ली नहीं रहती है तब चूहे खेलते हैं. Whenever come whenever you please जब चाहे आप आ सकते हो. Till or until he won't leave this place till or like until you promise to help him तब तक वह इस स्थान को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसकी मदद करने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे. While strike the iron while it is hot जब तक लोहा गर्म है तब तक मारो. Because he did not go to school because he was ill वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था. As you were not there I came back क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे इसलिए मैं वापस लौट आया. Since you say so I believe it चूँकि तुम ऐसा कहते हो इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ. That we eat that we may live हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रहें. Lest walk carefully lest you should fall सावधानी से चलो ताकि तुम गिर ना जाओ. Such that he is such a good man that all respect him वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी लोग आदर करते हैं. If you go I shall stay at home यदि तुम जाओगे तो मैं घर पर ठहरूंगा. Unless you will not pass unless you labor hard जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे. यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे. Provided I will trust you provided you tell the truth मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा बशर्ते कि तुम सच बता दो. As if he ran as if the devils were after him वह इस तरह दौड़ा मानो कि उसके पीछे भूत हों. दो he is poor he is honest यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. Although he is an honest man although he is not rich यद्यपि वह धनवान नहीं है तथापि वह ईमानदार आदमी है. However you will not pass however hard you may labor तुम पास नहीं करोगे चाहे कितनी मेहनत करो. As he is as strong as I वह उतना बलवान है जितना मैं. No less than I like you no less than him आपको मैं उससे कम नहीं चाहता हूँ. Whereas he is very gentle whereas his brother is rich very rude brother is very rude वह बहुत नेक है जबकि उसका भाई बहुत असभ्य अवलिक गंवार है. Nevertheless
He was not invited. Nevertheless, he went to attend the party. वह निमंत्रित नहीं था, तथापि वह पार्टी अटेंड उपस्थित या शामिल करने गया. एज दो ही टॉक्स एज दो ही इज हाईली एजुकेटेड. वह ऐसे बात करता है कि मानो वह बहुत पढ़ा लिखा हो. हाउ हाउ एडवर्ब है. हाउ डिड यू गो देयर. आप कैसे वहाँ गए. हाउएवर कंजक्शन है. हाउएवर ही डिसाइडेड टू स्टे. तथापि उसने ठहरने का निर्णय लिया. हाउएवर एडवर्ब है. ही विल नेवर सक्सेड. हाउएवर हार्ड ही ट्राइस. वह सफल कभी नहीं होगा चाहे वह कितना भी कोशिश करे. येट एडवर्ब है. दे हैव नॉट गॉन येट. वे लोग अब तक नहीं गए हैं. हैज नॉट ही रिटर्न्ड येट. क्या वह अब तक वापस नहीं लौट आया है. एज येट ही इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट. इस समय तक वह इस बात पर चुप है. नॉट येट. मे आई गो होम नाउ. नो नॉट येट. क्या मैं अब घर जा सकता हूँ. नहीं अभी नहीं. येट कंजक्शन है. शी इज हॉटी एंड फूलिश एंड येट प्यूपल लाइक हर. वह जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं. एज आई सा हिम एज ही वॉज गेटिंग डाउन द ट्रेन. मैंने उसे तब देखा जब वह ट्रेन से नीचे उतर रहा था. एज टू योर ब्रदर आई विल डील विथ हिम लेटर ऑन. मैं तुमसे तुम्हारे भाई के विषय में बाद में बात करूँगा. एज टू ही स्टूड अप. सो एज टू सी बेटर. वह मदद करने की वजह से खड़ा हुआ. एज फॉर एज ही इज ए गुड मैन. एज फॉर एज आई नो. वह अच्छा आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ. एज ही इज एज टाल एज यू. वह उतना लंबा है जितना तुम हो. दोस्तों मैंने यहाँ एकदम सिलेक्टेड कंजक्शन आपको दिए हैं. आप और एग्जांपल इसी तरह अपने दिमाग में बनाकर सोचिएगा और कंजक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा. सीखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मेरा उद्देश्य है कि भारत देश के हर गांव में छोटे से छोटे गांव तक यह वीडियो पहुँचे और इंग्लिश का प्रचार प्रसार अच्छी तरह हो. धन्यवाद.